बैक फ्रेंड्स फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर आज आपको एयरफोर्स एक्स और वाई के लिए आपको एग्जाम पास करने के लिए कौन कौन सी बुक्स जो कि अच्छी बुक्स हैं और काफ़ी चुनिंदा नामी ग्रामी बुक्स के मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए उनके पढ़ने का तरीका, सबसे पहले कौन कौन सी बुक्स आपको लगानी है, कौन कौन से प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं ताकि आपका जो एक्स वाई का जो लेवल है ना वो सब आपने देख ही लिया होगा। अभी देख सकते हैं, अभी एक्स वाई का एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने उस एग्ज़ाम को दिया था, उसका लेवल सबकी आंखों के सामने रखा हुआ है। हम लोग सोचते हैं कि एक्स वाई का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने देखा जीके भी देख लिया, उसमें जीएस भी देखा, करंट अफेयर भी देखा, आपने उनके अंदर देखा था कि जो जीके आई थी बाय ग्रुप के अंदर वो सिर्फ वन लाइनर जीके आई थी, उनमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं, समझ रहे ना, मतलब ज़्यादा डीपली नॉलेज कुछ था ही नहीं उसमें, इतना ज़्यादा टफ था ही नहीं। यानी कि इंग्लिश आपने देखा, इंग्लिश मैंने सारा समझाया था। यानी कि अब देखिए मैं आपको पहले पूरा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, उसके बाद इस जो आप बुक्स खरीदने जा रहे हैं इनके साथ साथ आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है और इनको पढ़ाएंगे कैसे कैसे। दोस्तों आपने जितना मुझे सपोर्ट किया, जितना प्यार किया, उस सब के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बोलूँ ना उनको आप ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से सीख लेना, उसके बाद आप इन रूल्स को फॉलो करिएगा। देखिए मैं बता देता हूँ इसके साथ यहाँ पर, देखिए हाँ मुझे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करना है आपसे। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर देख एयरफोर्स में ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये मैंने लिखा है ना, मुझे अभी अभी याद आया, ये लिख रहा है ना फॉर क्रैकिंग। कुछ बच्चे जो कि देखिए मैं बताता हूँ, फॉर क्रैकिंग आएगा या फिर क्रैक आएगा, ये क्वेश्चन आया था एयरफोर्स में, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन उसमें क्या था सेम यही क्वेश्चन था, ऐसे लिख रहा था फॉर और इसके बाद यहाँ पर एक खाली जगह थी और ऑप्शन में दे रखा था, मतलब वो जीरंड दे रखा था कोई, यानी कि गो आएगा या फिर गोइंग आएगा, ठीक है, या फिर गॉन आएगा या फिर वेंट आएगा, तो ऐसे ऑप्शन भरवा रहा था। तो इसका पूरा जवाब मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, ठीक है, ऐसा आपको करना क्या अगर ऐसा कभी आ जाए। चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूँ अरिहंत का आपको प्रैक्टिस सेट लेना। देखिए प्रैक्टिस सेट क्या, पूरा डिस्क्रिप्शन इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, आप मार्केट में जाइएगा और ये सबसे बेस्ट बुक बता रहा हूँ मैं आपको। यानी कि देखिए सबसे पहले आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसे पढ़ने के लिए क्योंकि इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है आप देख लीजिए, किताब अच्छी किताब है, आपने देख भी रखा होगा, यानी इसके अंदर जो समझाने का तरीका है वो अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा कुल मिला करके, तो मुझे लगा कि आपको ये मैं प्रीफर ज़रूर करूँगा। अब देखिए इसे जब आप पढ़ लेंगे ना तो मतलब क्या है कि देखो इसमें जीएस दे रखा है, इंग्लिश दे रखा है, मैथ्स दे रखा है, हर पेपर अलग अलग दे रखा है, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग इसमें डिवाइड कर रखा है, तो ये बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। सबसे पहले इसे लगाना, इसके बाद जो भी चॉइस हैं आपकी वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कौन कौन सी चॉइस आपकी हो सकती हैं और अदर बुक्स हैं। देखिए पब्लिकेशंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कल भी आपसे बोला था कि आप 10 किताब मत खरीदो यार, एक किताब को 10 बार पढ़ दो, 10-15-20 बार पढ़ दो एक ही किताब को, तो अलग अलग किताब खरीदने से कोई मतलब नहीं है। आप एक्स और वाई का पेपर दे रहे हैं ना कि राइट ना, एफ कैट का एग्ज़ाम थोड़ी दे रहे हैं आप, तो देखो एफ कैट का वो थोड़ा हाई लेवल होता है, वो ऑफिसर रैंक होता है, ये आपका एज जीडी होता है, ठीक है ना, एज सोल्जर होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जितना पढ़ना है सिर्फ उतना ही पढ़िए। देखिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा इसे स्टार्ट आगे बढ़ाने से पहले, यानी नॉलेज होना गलत बात नहीं है, लेकिन हमें क्या है, हमें एग्ज़ाम को पास करना है, हमको मास्टर नहीं बनना, हमें एग्ज़ाम को पास करना है, तो हमारे पास जो लिमिट सीमित नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो ज़्यादा भ्रम, आप बहुत सारी बुक्स खरीद लेंगे ना तो उन्हें पढ़ पाएंगे ना ही कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया ये वाली आप एक बुक ले लेना बाई ग्रुप के लिए। इसके साथ ही साथ हाँ, जब आप इसे बुक को लगा लेंगे ना, इसके बाद मैं आपसे रिकमेंडेशन करूँगा, आप कुछ मत करो, कोई बुक मत लेके आओ, ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, लेकिन मेरे भाई इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर ले लेना। आप सोच रहे होंगे क्या सर इन प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आएगा, सेम इनमें जो दे रखे हैं वही आएंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। पता है कोई ऐसी बुक होती है कि उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, अगर मान लो मैं आपसे बोल देता हूँ कि यार अरिहंत की बुक में से आएगा मतलब 100% आएगा, तो यार और बाकी पब्लिकेशन उनको कौन खरीदेगा, ये कंफर्म नहीं होता ना पेपर किससे बनेगा। लेकिन हाँ इनका जो कॉन्सेप्ट है वो जितना लेवल जो भी लेवल है ना एक्स वाई ग्रुप का वो सब इसमें बाई के अकॉर्डिंग दे रखा है। बहुत प्यारा सेट लगा मुझे, सच बता रहा हूँ सबसे बेस्ट लगा मुझे। पहले आप वो डिस्क्रिप्शन लेना, इसके बाद आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाना, और इसके अंदर पता 30 प्रैक्टिस सेट हैं। यदि आपकी पावर बहुत अच्छी है करने की तो आप एक दिन के अंदर दो दो सेट भी लगाएंगे ना, समझ लो यार क्या बताऊँ, इस प्रैक्टिस सेट के बारे में मैं दिल से बोल रहा हूँ बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। इसके लिए मैं इनका कोई लिंक नहीं दे रखा है,
ना ही इनकी कोई ना ही इनका पब्लिसिटी कर रहा हूँ कि आप इनको अरिंद को बुक को खरीदो या फिर मुझे वहाँ से रिकमेंडेशन मिला है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब मैंने पढ़ रखी है, मैं इनको खूब अच्छी तरह से जान चुका हूँ, तो आप इनको ज़रूर खरीद लेना। इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी दे रखे हैं, एक बात बताऊँ, अगर आप बाई ग्रुप पास करना चाहते हैं तो मेरा जो अनुभव है, आप अगर अरिंद का सेट ले लीजिएगा, ठीक है, अब पहले आप देखिए नंबर बाई नंबर पहले आप इसको लगाना, इसके बाद इस पर आना। तो जब आप इसे लगा लेंगे तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट दे रखा है आपका, मैथ का दे रखा है, इंग्लिश का दे रखा है, बहुत गजब का। मुझे तो मैथ और जो रीजनिंग ना बड़ी अच्छी लगी इसके अंदर, मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी, इसके साथ ही साथ आपका जो इंग्लिश है वो भी अच्छा दे रखा है, ठीक है ना। तो अलग से आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। तो और देखो इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इसे ले लेंगे इसके साथ, अब आपको मैं एक्स ग्रुप के लिए बताता हूँ, ठीक है। एक्स ग्रुप के लिए भी मुझे अरिंद बहुत अच्छी लगी, इसके साथ एक्स के लिए आपको यहाँ से तैयारी करना बेस्ट रहेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको पहले एक्स ग्रुप के लिए आपको पता है फिजिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स अच्छी होगी और वो भी टेक्निकल मैथ्स आएगा इसमें, टेक्निकल फिजिक्स आएगी 12th स्टैंडर्ड की। अच्छा एक बात और देखो, इस पेपर को जब मैंने देखा और आपने देखा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं, पास कर चुके हैं और उनकी अभी उनका मेडिकल होने वाला है और वो फिर उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो उन सबको मैंने बातचीत किया, उन सबको बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि इसको आपको बताना चाहिए। तो ये बुक वाकई में बहुत काबिले थी तारीफ़ है, इस बुक के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, अच्छी बुक रहेगी अरिंद की। ये देखो एक्स ग्रुप की है, इसके अंदर आपको फिजिक्स का जो तरीका समझाने का वो बेस्ट तरीका रहा है, और इसके साथ ही साथ इसके जब आप चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद इसमें एक्सरसाइज भी दे रखी है, आप अपने आप को वहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपने क्या कुछ सीखा। अच्छा देखो एक बात मैं बताता हूँ, आप फिजिक्स के लिए बड़े टेंशन में लेते हैं, सर फिजिक्स का कैसे याद कर पाएंगे या फिर हम मैथ्स को, टेक्निकल मैथ्स को कैसे हैंडल करेंगे। तो देखो यदि आपका मैथ्स वाई कमज़ोर है, फिजिक्स कमज़ोर है, तो मेरे दोस्त आप कोचिंग सेंटर कोई अच्छा सा जो भी आपके क्षेत्र में चल रहा हो वहाँ पर जा कर के आप अच्छी सी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कीजिएगा। और क्योंकि देखो रिस्क मत लीजिएगा, पता है एयरफोर्स बार बार मौके नहीं देती है, अब इतना अच्छा मौका आपको मिल रहा है तो बार बार मत गंवाइए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो कोशिश करिए आप हर हाल में इसी बार में ये एग्ज़ाम आपका निकल जाए। देखिए अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अभी क्या करना है, यदि आपका कमज़ोरी है तो मैं क्या करूँ, रिस्क मत लेना, समझ रहे ना। मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताता हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए, जीएस के लिए इंग्लिश का बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे यूट्यूब चैनल पर, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बोलता हूँ मेरे भाई, देखो जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो भी अच्छी अच्छी पढ़ाते हैं उनको आप फॉलो करो, ये नहीं कि राम सर ने बोला बस वहीं आकर के बैठ गए। ये आपका पता है फिजिक्स कमज़ोर है, मैथ्स कमज़ोर है या फिर इंग्लिश कमज़ोर है, तो देखो यदि आपको लग रहा है कि कोचिंग लगाने की ज़रूरत है, यदि आपका बेस अच्छा नहीं है तो देखो कोचिंग लगा लेना, ठीक है, उसकी चिंता मत करना कि टाइम वेस्ट होगा आने जाने में। यदि पास करना एग्ज़ाम तो कोचिंग लगा लेना, कोई फ़र्क नहीं, बहुत ज़रूरी होता है कोचिंग लगाना। यदि आपका बेस कमज़ोर है या फिर आप अच्छे नहीं है तो वहाँ जा कर के भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। अच्छा इसके बाद मैं बता देता हूँ, ये आप जब लगा लेंगे इसके साथ ही मैंने इसका एक प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर दे रखा है। देखिए ये आपका एक्स ग्रुप का प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, एयरमैन देख सकते हैं ग्रुप टेक्निकल के लिए, जब आप उसे लगा लेंगे इसके बाद आप इस सेट पर आइए। इस सेट की एक खासियत बात यह है कि इसमें जो फिजिक्स और मैथ है ना वो बड़े ज़बरदस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इंग्लिश तो ठीक ठाक है लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगा इसका फिजिक्स और जो इसका मैथ्स है ना वो बहुत अच्छा है। इसके कॉन्सेप्ट आप लगा लेना बहुत अच्छी रहेंगे और आपके कॉन्सेप्ट जो भी कमज़ोर है ना वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा इसके साथ ही साथ ये जब आप कर लेंगे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे मंथन से, इसके बाद यदि आपको ज़रूरत लगता है ना इसके बाद फिर मैं आपको बहुत अच्छा एक लॉलीपॉप देने वाला हूँ। देखो लॉलीपॉप वो क्या है, लॉलीपॉप है ल्यूसेंट, यानी देखो ल्यूसेंट के ये प्रैक्टिस वर्कबुक है। ये देखिए मैं बाई ग्रुप के लिए बता रहा हूँ, ये बिल्कुल लॉलीपॉप, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो। हाँ एक बात और मैं बताता हूँ, इसके अंदर सिर्फ एक खासियत है भाई, इसके अंदर जो आपका इंग्लिश है ना, इंग्लिश बड़ा बहुत अच्छा दे रखा है, यानी हर क्वेश्चन का बहुत अच्छा लंबा लंबा है ना, फुल डिटेल के साथ इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है इंग्लिश में। तो इसके भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं एयरफोर्स के लिए, आप प्लेलिस्ट में जाना वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज आपको मिलेंगी कॉन्सेप्ट की। अच्छा इसके साथ साथ इसमें और क्या था खास, हाँ इसके अंदर इंग्लिश तो पूरा दे रखा है, इंग्लिश अगर आपका कमज़ोर है तो आप यहाँ से भी अच्छा कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर इंग्लिश खास बात लगी मुझे, और आपका जो मैथ्स है, रीजनिंग है, वो इतना नहीं है यार, मतलब बहुत हल्का लेवल है, कुछ है ही नहीं लेवल है उसमें। आप अगर चाहें तो दो दिन के अंदर ये 20 होंगे शायद, इसमें मुझे तो 20 लग रहे हैं शायद, 20 होंगे, ठीक है ना। तो 20 इसमें प्रैक्टिस सेट हैं,
और समझ लो 20 प्रैक्टिस सेट आप 2 दिन के अंदर कर देंगे, है ही कितना। एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 10 भी कर लेंगे तो हो गया 500, 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, फिर आप दूसरा ले आओ। तो ये आप बाद में कर लेना, पहले उनको अच्छी तरह से कर लेना। इसके साथ ही साथ आपको मैं एक्स ग्रुप का भी बता देता हूँ, एक्स ग्रुप का भी ल्यूशेंट आता है, आप एक्स ग्रुप भी कर लेना। हाँ, इसके अंदर इंग्लिश दोनों में सेम सा दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्स और वाई दोनों के लिए इंग्लिश सेम आती है। तो मैं बस ये करूँगा कि यदि आपका इंग्लिश कमज़ोर है, आप नहीं समझ पाते हैं कहीं पर भी, कहीं कमज़ोरी है, तो आप मेरी वीडियोज़ को बड़े ध्यान से देखा करो, उनको लिख लिया करो। आपको मैंने जितने भी इंटरव्यू सुनाए, जितने भी मेरे स्टूडेंट मुझे बातचीत करते हैं, उस सब के अंदर एक खास बात आपने देखी होगी, उनकी इंग्लिश जो इम्प्रूवमेंट हुई वो कहीं ना कहीं, ठीक है ना, हमारे चैनल का योगदान रहा। योगदान रहा इसका मतलब ये नहीं कि हम मैंने सब कुछ कर दिया, उन बच्चों की बहुत मेहनत थी, वो वीडियो देखा, उन्होंने क्या किया कि नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, नोट्स बनाए, कॉन्सेप्ट को समझा और उसी कॉन्सेप्ट को ले जा करके क्वेश्चन पेपर जो आया था उसमें बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड आया। तो अब देखो, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे हैं और इनको आप कर लेना। ल्यूशेंट जो होता है वो इंग्लिश के लिए बेस्ट होता है। अगर आपका फिर भी मान लीजिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसके लिए इसका देखो ल्यूशेंट का ही इंग्लिश आता है, ल्यूशेंट की एक इंग्लिश आती है, मोटी वाली आती है, आई थिंक वो होती होगी 150-200 रुपए की, वो आप ले लेना। एक ल्यूशेंट इंग्लिश के लिए एक ऐसा अच्छी बुक है, यदि आप कोचिंग में नहीं जाते तो आप घर पर बैठ करके इंग्लिश को सीख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बहुत पढ़ी है वो, तो आप यदि ऐसा करेंगे तो इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। सब चीज़ मैंने आपको बता दिया, एक्स और वाई के लिए डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं। यदि आप एक बुक कोई पढ़ लेंगे, लेवल आपने देख लिया, लेवल ज़्यादा हाई नहीं है, बिल्कुल हाई नहीं है, यदि आप तन मन से पढ़ेंगे, आपने सिर्फ 12th कर रखा है, कोई कोचिंग भी नहीं लगाई, तो आप अपने बलबूते पर भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने सबने देखा, हमने देखा, मैंने आपको SSR के बारे में बताया कौन कौन सी बुक्स जो मुझे अच्छी लगी, इसके बाद आपको एक्स बाइक ग्रुप का दे दिया, इसके बाद फिर मैं आपको नेवी डबल ए का दूंगा। अभी मेरे पास कुछ आया नहीं है, चेक नहीं कर पाया हूँ नेवी डबल ए का, तो वो भी मैं आपको कल तक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, जितना आपने मुझे सपोर्ट किया, प्यार किया, सबके लिए आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले आपका एक कॉन्सेप्ट था, वो एग्जाम में आया था एयरफोर्स में, चाहता तो था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, लेकिन अभी फिर ध्यान भूल जाऊंगा। देखो, ये कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान से समझना, ये लिख रहा है फॉर और ये लिख रहा है टू, ज्यादा नहीं, शॉर्ट में बोल देता हूँ। देखो, कभी भी ना टू के बाद यदि कोई वर्ब है, जैसे मान लो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, गो और यहाँ पर है गोइंग, यहाँ पर है वेंट और यहाँ पर मैंने लिखा गॉन, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर टू के बाद अगर कोई ऑप्शन में आएगा तो आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म भरना है। ये पेपर में आया है एक्स वाई ग्रुप में, ठीक है ना, इंग्लिश में आया था, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर ध्यान नहीं रहेगा। यानी टू के बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म किस में है बताओ, इसमें गो है कि नहीं, मतलब टू के साथ क्या आएगा, गो आएगा, समझ में आ गया। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं और बताता हूँ, जो फॉर है ना, फॉर, अच्छा फॉर में एक अलग केस होता है, यानी फॉर के बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, आईएनजी वाली आएगी, यानी फॉर के बाद जीरंड आता है, फॉर के बाद आईएनजी वाला केस आता है, तो बताओ आईएनजी वाला कौन सा है इसमें, गोइंग, तो इसमें क्या आ जाएगा, गोइंग आ जाएगा। देखो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, के लिए, क्या होता है, इन दोनों का मतलब के लिए होता है, समझ में आ गया। अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ तो मैं कम हेयर फॉर स्टडिंग, अगर मैं बोलूँगा के लिए फॉर तो मुझे यहाँ पर आईएनजी लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बताया, मैं अगर के लिए के टू लगाऊं तो यहाँ पर फिर मुझे स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, चिंता मत करो यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, प्लेलिस्ट भरी पड़ी है, आपको समझ लो 3-4 महीने बैक टू बैक तैयारी कराई थी, उसको चेक करो, वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, कहीं पर अगर मदद जितना मुझसे हो सकेगा, चिंता मत करो, आप सबकी मदद करूंगा, हो सकेगा इतना। चलो, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।